रविवार का दिन एशियन गेम्स के लिए बेहद खास रहा। हांगजोंग में चल रहे 2023 एशियन गेम्स में अविनाश साबले ने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया। अविनाश 3000 मीटर स्टीपल चेज स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष बन गए। 2023 एशियाई खेलों में 29 साल के अविनाश ने 8:19:50 में रेस पूरी कर ली। बता दें, अविनाश ने 8:22:59 का एशियाई रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो 2018 में जकार्ता खेलों में ईरान के हुसैन केहानी ने बनाया था। अविनाश से पहले सुधा सिंह ने 2010 एशियाई खेलों में महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपल चेज स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। अविनाश का जन्म साल 1994 में एक किसान परिवार में हुआ था। उनके गांव में स्कूल बस नहीं चलती थी, ऐसे में अविनाश को रोज 6 किलोमीटर दौड़कर स्कूल जाना पड़ता था। उस समय उन्हें नहीं पता था कि उनकी ये आदत उन्हें एशियाई खेलों में एक दिन स्वर्ण पदक दिलाएगी, लेकिन अपनी पढ़ाई के लिए वो रोज 6 किलोमीटर दौड़ते थे। 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद अविनाश का चयन भारतीय सेना में हो गया। यहाँ से उनके लिए धीरे धीरे चीजें और आसान हो गई, लेकिन अब नई चुनौतियां उनके सामने थी, जिन्हें उन्होंने बेहद ही खूबसूरत तरीके से पार कर लिया। 1991 से एशियाई खेल शुरू हुए थे और तब से ही 3000 मीटर स्टीपल चेज की स्पर्धा भी शुरू हुई थी, लेकिन भारत के किसी एथलीट ने इसमें स्वर्ण नहीं जीता था। लेकिन इस बार भारत के स्टार एथलीट अविनाश साबले ने इतिहास रच दिया। उन्होंने हांगजोंग एशियाई खेलों के 3000 मीटर स्टीपल चेज में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। ये इस स्पर्धा में पहला स्वर्ण है जो उन्होंने भारत की झोली में डाला है। 3000 मीटर स्टीपल चेज में भारत के अविनाश ने इतिहास रच दिया। अविनाश ने 2023 एशियन गेम्स में एथलेटिक्स में भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया है। बता दें, 2023 एशियन गेम्स में ये भारत का 12वां गोल्ड मेडल है। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नगरी न्यूज़। मैं सिद्दीका मनोहर सोनी आपके साथ, शुक्रिया।